अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नीलम मुनीर खान और आप देख रहे हैं मुझे रिवाइंड विद समीना पीरजादा प्रोग्राम में। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। स्ट्रगल करना पड़ता है एक लड़की को जिसकी आंखें ऐसी हो, इतनी ब्यूटीफुल हो। स्ट्रगल तो है, क्यों नहीं है, बिल्कुल है। अपने आप को बनवाने के लिए बहुत सारे डिफिकल्ट टाइम से भी गुजरना पड़ता है। बेटर एक्टिंग करके देनी पड़ती है, आई थिंक वो एक बड़ा स्ट्रगल होता है। उसके बाद फिर वो आपको रेटिंग्स वाले गेम्स पे ले जाते हैं। हाँ। वो भी एक, जबकि मुझे पहले तो फिर सिर्फ ये होता है ना, शी इज जस्ट अ प्रिटी फेस। फिर आपको वो बताना होता है कि नहीं, मैं सिर्फ प्रिटी फेस नहीं हूँ, मैं एक्टिंग भी कर सकती हूँ। आई होप कि आप दुनिया इस चीज से निकल आई हो ना। अल्लाह कह रहे कि लोग इस चीज से, मेरे ख्याल अब खत्म होना चाहिए, हो गया होगा। अब तो कौन प्रिटी नहीं है, सभी लोग प्रिटी हैं। कौन, मुझे तो कभी मैंने, लेकिन यू आर राइट, लोग इस चीज को देखते हैं, है ना? सिर्फ मेरे ख्याल है शोबिज में नहीं, वैसे आम दुनिया में भी। तो कितना अजीब होंगे वो लोग। मैं बेसिकली यही कह रही हूँ कि क्या ये जो स्ट्रगल है, ये स्ट्रगल जो है कि अपने आप को आप एज एन एक्टर बनवाओ। हाँ जी, सिर्फ हीरोइन हीरोइन नहीं ना। हाँ, ये डिफरेंस है ना। एग्जैक्टली, कि एक तो ये है कि ठीक है आप हीरोइन है, और एक है कि आप एक्टर हैं। हाँ, आप जानते हैं अपने काम, उसमें बड़ा फर्क है। और मैं हीरोइन नहीं बनना चाहती, मुझे एक्टर ही बनना है। तो ये स्ट्रगल कितना लंबा था कि जस्ट अ प्रिटी फेस हो, हीरोइन हो, और फिर तुमने कहा नहीं, मैं मुझे एक्टिंग भी करना चाहती हूँ, मैं आती भी है मुझे। मैं समझ के करती हूँ। मुझे लगता है मुझे ये ब्रेक अल्लाह ने बहुत जल्दी दे दिया था। जलपरी से, जलपरी में आपको फील हुआ कि नहीं, मैं एक्टिंग भी लोगों ने मुझे फील कराया कराया यू नो, जैसे आपको भी याद था जलपरी, जबकि 7-8 साल पहले चला है वो, तो मुझे अच्छा लगता है। तो आपने मुझे एज एन एक्टर ही कमेंट किया ना, तो इसलिए मुझे अच्छा लगता है। बाकी ठीक है। हाँ, बट ठीक है। हाँ, ये भी उस रास्ते का यू नो, जो आपका जो जर्नी है उसमें ये सब पड़ाव आएंगे। कभी आपको कभी कोई बहुत ज्यादा मुश्किल कैरेक्टर नहीं मिलेगा, कभी आपको बहुत मुश्किल मिलेगा। आप कहाँ, मतलब कोई ऐसा कैरेक्टर मिल रहा है इस वक्त जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं उसमें, जहाँ आपको मुश्किल में डाला हुआ है डायरेक्टर ने? अभी मैं एक ड्रामा कर रही हूँ शाहिद शफात के साथ। अच्छा, मैं हूँ और यासिर नवाज है उसमें। अच्छा, फिर से और पूरी वही टीम दोबारा से है। प्रोडक्शन भी नेक्स्ट लेवल प्रोडक्शन है। तो उसमें जो इंटरेस्टिंग पार्ट है, जो कि मुझे बड़ा टच करता है, उसमें बच्चे हैं और वो नेरे नहीं है, लेकिन जब आप ड्रामा देखेंगे तो आपको पता लगेगा। उसने बड़ा मुझे इमोशनल किया उस पार्ट में, वो मुझे बड़ा डिफिकल्ट लगा। और इम्तिहान में डाला, मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं। मैं छोटे छोटे बच्चे तो क्यूट, चलते फिरते हुए भी, अक्सर लोग कहते हैं मैं तो गोद वाले बच्चे पसंद है, बड़े हो जाते हैं तो प्यार नहीं आता। हाँ। तो है ही, कैसे हो सकता? सारे स्टेजेस अच्छे होते हैं। बच्चा एक आपको डिफरेंट स्टेट पे ले जाता है, एक उसकी एक अपनी सोच होती है, उसकी बातें हैं, अक्सर आपसे ज्यादा समझदार निकल आता है। तो बड़ी बहन क्या है? बेबी बड़ी बहन तो खाला बन गए हो आप? यस, खुशी खुशी। तो बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है उनके साथ, मैं बहुत एंजॉय करती हूं। अब बड़े हो गए तो वो लोग बिजी हो गए अपनी जिंदगियों में, ट्यूशन स्कूल, लेकिन जब छोटे थे तो साथ ही होते हैं ना, गए मिल लिए, प्यार कर लिए। तो कितने बच्चे हैं उनके? बड़ी बहन के, मेरी बड़ी के दो हैं, दो बेटे, एक बेटी है। अच्छा, और जो दूसरी बहन है उसका बेटा है माशाल्लाह। अच्छा, सो फिर तो बड़ी रौनक होती होगी घर, मजा आता है। अभी जब ये लोग बड़े हो जाएंगे ना थोड़े और, तो ईद पे बड़ा मजा आएगा। तो ईद बहुत मनाती है, मुझे लगता है ईद में बड़ा एहतमाम से मनता। मैं सबसे ज्यादा अपने घर में ईद मनाने की शौकीन मैं हूँ, मेरी छोटी बहन ही है, और तो हम जाहिर अम्मी है। और चूड़ियां पहनने का, चूड़ियां मेहंदी लगाना, मेहंदी अगर कॉन्टिन्यूटी में ना फंसी हुई हूँ तो फिर मैं मेहंदी लगा ली। तो मेहंदी तो मुझे वैसे ही बहुत पसंद है। खाना पकाती हूँ? खाना मैंने पिछले दिनों पकाया है और फिर मैंने छोड़ दिया अभी। पिछले दिनों मतलब क्या, एक दिन पकाया? हाँ, मतलब थोड़े दिन मैंने पकाया है और फिर मैंने गैप आता रहता है बीच में। क्या चीज बनाती हो शौक से? आलू गोश और चावल मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, खुद बनाती? खुद बनाती हूँ। और मैंने पता है अभी जाके, इनफैक्ट मुझे कोई ज्यादा अरसा भी नहीं हुआ है खाना बनाते, अभी जाके मैंने सीखा है कि अच्छा चलो बनाते हैं खाना। मुझे पता है घर के काम और सफाई और सजाना, इन चीज़ों का ज्यादा शौक है, क्योंकि मेरे अब्बा भी जो है वो भी अम्मी को कभी इस तरह से किचन में, जबकि काम करना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, और
लोग यहाँ पे तो पार्ट टाइम कुकिंग कर रहे होते हैं कि ठीक है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है दोनों मियाँ बीवी किचन में हो तो तुम्हें अच्छा लगता है। और काम करना चाहिए। मैं और पीरू तो बनाते हैं, तुमने तो खाई होगी उनकी हाथ की भिंडी, बहुत मजे के, बहुत मजे के। तो यार सारा सीन है। आई लाइक इट, आई लाइक इट के घर में होना चाहिए। हाँ ना, काम करने बीवी का, ये क्या है, ये एक किसी का थोड़ी है काम। हाँ। घर बनाना तो दोनों का है ना, दोनों का काम। फिर और बताओ, और क्या क्या शौक है? कपड़े बनाना का शौक है, ये सीने का, पिरोने का? नहीं इतना, सिलाई कढ़ाई नहीं है। नहीं मतलब मैं सिलाई कढ़ाई मुझे तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मैं जरूर चाहती हूँ कि मेरी जो छोटी बहन है वो भी कोर्स करे इस तरह का, फैशन डिजाइनिंग। अच्छा। और मेकअप शेकअप भी मैं ना किसी और, मैं सिर्फ अम्मी का अच्छा मेकअप कर लेती हूँ, अम्मी को तैयार करवा लें मुझसे, मतलब मुझे लगता है बहुत इजी होता है मेकअप अम्मी का, यू नो, वो मैं बड़ी आसानी से, अम्मी पे तो मेरा ऐसे ज़बरदस्त लाइनर भी लगा लूँगी मैं, और बहुत अच्छा तैयार कर सकती हूँ मैं, लेकिन किसी और पर नहीं कर सकती हूँ मेरा काम। अच्छा, ट्रैवल किया? ट्रैवल किया, घूमा है बहुत बहुत। तो पूरी फैमिली साथ जाते हो या अकेले घूमती हो? फैमिली भी गई है और मैं अम्मी के साथ जाती हूँ। अच्छा। जाती हूँ, साथ दुनिया देखें, घूमें, अच्छा एंजॉय करें। अम्मी को क्या, अम्मी को उनके बर्थडे पे गिफ्ट देती हूँ? अम्मी को मेरी बर्थडे पे गिफ्ट देती हूँ, अम्मी का मैं बहुत ख्याल रखती हूँ। मेरे लिए तो अम्मी की बर्थडे इतना नहीं होता, खुशी तो होती है, लेकिन आम दिनों में भी ना अम्मी के लिए कुछ ना कुछ बनवा लेती हूँ कि अम्मी को सरप्राइज दूंगी, और सर से बड़ा मजा आता है। और माँ का दिल चीजों में नहीं होता, औलाद में ही रह जाता है। अब मैं पूछती भी हूँ कहाँ है, वो तो पता नहीं, नीलम पड़ा हुआ होगा, मैंने कहा पहने आप क्यों नहीं पहनती है? नहीं बस, क्या करना चाहती हूँ अम्मी के लिए, क्या करना चाहती हूँ कि जो सारा बस सोचती रहती है अम्मी के लिए ये, तो अम्मी के लिए वो, क्या खुश रखना चाहती हूँ उन्हें? बहुत खुश रखना चाहती हूँ मैं, और मैं बस अल्लाह से ये दुआ करती हूँ कि मेरी अम्मी को पहले जैसी एनर्जी दे दूँ। हाँ। जैसे यू नो, काम करना करना और थकना नहीं, कोई थकावट ना हो, किसी किस्म की कोई तकलीफ ना हो, बस खुश रहें, खुश रहें और सेहत में रहें, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं अम्मी के लिए जरूर मांगती हूँ। अपने के लिए, अपने लिए क्या प्लान है? अपने लिए आई डोंट नो, मुझे पता नहीं है, मेरी जिंदगी सब बड़ी। तुमने मुझे बता दिया, मैं प्लान नहीं करती मैं। हाँ। मगर फिर भी हाँ। कुछ तो तुमने सोचा होगा कि मैंने 2020 के अंदर पता नहीं कहाँ कहाँ घूम लेना है, ये देख लेना है, वो देख लेना। मैं तो जहाँ घूमने का प्लान करती भी हूँ मैं नहीं जा पाती हूँ, कोई ना कोई ऐसे इशूज हो जाते हैं बीच में, इसकी वजह से बड़ा मुश्किल हो जाता है मेरी ट्रेवलिंग भी। लेकिन ये कि ऐसे प्लान तो नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को बेहतर देखना चाहती हूँ। पॉलिटिक्स पे जाने का तो नहीं सोच रही? नहीं फिलहाल तो मैं नहीं सोच रही, लेकिन अगर मुझसे कोई अच्छाई हो सकी कि अगर हाँ इसके लिए अगर मुझे ये करना पड़ेगा तो मैं जरूर करना चाहूंगी, मैं कुछ अच्छा करना चाहती हूँ। जब जब ये कह रहे हो कि पाकिस्तान को बेहतर देखना चाहते हो, क्या चाहते हो पाकिस्तान में, किस तरह का हो हमारा मुल्क, आप यंग लोग क्या चाहते हो? बहुत अच्छा सवाल है। यू नो, जब हम बाहर भी जाते हैं ना और हम देखते हैं वहाँ की जगह, तो हम कहते हैं कि यार हमारा भी तो ऐसा हो सकता है, यानी साफ सुथरा हो, साफ सुथरा है, रूल्स, लॉ, एजुकेशन। और हमारे यहाँ ना कि सिर्फ एजुकेशन बल्कि यूथ को हुनर भी सिखाना चाहिए, हुनर बड़ा काम आता है। आपकी यूथ जो है, आपके ज़ाहिर है हमने पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, हमें कौन है जो बताएगा आके कि जी फलाना यूनिवर्सिटी से हमें इतने स्टूडेंट्स चाहिए इंजीनियरिंग के, इतने डॉक्टर्स चाहिए, इतनी हमें यूथ हमें आप तैयार करके दें जो कि हमारे मुल्क में इस वक्त हमें ज़रूरत है कि हमारे लिए काम करें, चाहे वाटर कंपनीज में करें, अगर कौन लगाएगा ये सर्वे, हमें कब पता लगेगा और कब तक लोग। ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग बात सोची है नीलम, है ना, ये कितनी सही सही बात सोची है कि ये भी होना चाहिए कि हमें, क्योंकि सिर्फ डॉक्टर्स ही ना बनते जाएं, इंजीनियर्स ही ना बनते जाएं, ऑब्वियसली वो आउट ऑफ जॉब हो जाएंगे, है ना। तो ये पता होना चाहिए कि मुल्क में कहाँ कहाँ क्या क्या चाहिए है, ह्यूमन पावर, यू नो। हाँ, ये तो, और ये जो हमारी कंपनीज होती है इनमें होती है ह्यूमन रिसोर्स, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हमारी स्टेट के पास भी होना चाहिए, होना चाहिए उसको, उसको पूरे पाकिस्तान में कहाँ कहाँ कैसे लोग चाहिए, कैसे चाहिए, कौन बताएगा हमें, यू नो, हम खुद ही कोशिश में लगे हुए हैं, बट क्योंकि कभी कभी बहुत ज्यादा MBA हो जाते हैं, exactly, है ना? वो उस साल बहुत MBA निकलते हैं, या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की वो फैशन आता है तो फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बन जाते सब वहां जाना। जो राइट, है ना, है ना, ताकि उसी तरह से लोग तैयार हों। हाँ, मेरी ऐसी सोच है, और मैं ये भी समझती हूँ कि
कब तक हम गवर्नमेंट जॉब्स का वेट करेंगे? मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ. मुझे ना अभी पिछले दिनों एक पायलट मैं ट्रेवल कर रही थी तो वो मुझे मिले तो उन्होंने मुझे बताया कि अब वो प्राइवेट सेक्टर में हैं पायलट. तो कहने लगे कि हमारा ऐसा है कि वो कहें कि एक ही पायलट पूरे जहाज़ को पूरे पाकिस्तान में घुमाएं. प्राइवेट सेक्टर का ही हाल है. तो वो लोग भी चाहते हैं कि हमें गवर्नमेंट जॉब्स मिलें. अब उसमें बड़ा फ़ायदा है लोगों को. अब ठीक है, अब जाके थोड़ा बहुत सिस्टम थोड़ा क्लीन आउट हो रहा है, थोड़ा चेंज हो रहा है, लेकिन ये सब ठीक होना बहुत ज़रूरी है. इसमें टाइम तो लगेगा लेकिन इंशाल्लाह मुझे लगता है कि ठीक ज़रूर होगा. क्योंकि हम सब चाहते हैं ना, सबकी चाहे कि ठीक हो, ठीक हो. नहीं, हम चाहते हैं हमारा पुलिस का निज़ाम ठीक हो. बिल्कुल, आप हम चाहते हैं. अब अल्लाह ना करे कि जैसे कभी कोई मसला हो, हम जा सकते हैं पुलिस स्टेशन रिपोर्ट कराने? नहीं, हम चाहते हैं हमारा पुलिस का निज़ाम ठीक हो, हमारे गवर्नमेंट ऑफिसेज में सब ठीक हो. ठीक हो, हम जहाँ भी जाएं, एक छोटी सी बात है कि हम अपना आई डी कार्ड बनवाने जाएं आसानी से बने, हम अपना पासपोर्ट बनवाने जाएं आसानी से बने, हम वोट डालने जाएं तो आसानी से डालें. बिल्कुल, है ना, बिल्कुल. आसानियाँ हो, सिस्टम्स हो, प्रॉपर सिस्टम्स, और उन्हें फॉलो करें हम. बिल्कुल बिल्कुल. हमारे यहाँ ना बस एक जो बस अब चलता ही सिस्टम कुछ ऐसा आया है, हम हॉस्पिटल जाएं तो आराम से हो, हम हॉस्पिटल में, हमारा कोई भी, नॉट ये कि मैं, हाँ जी, मेरे लिए हाँ मुश्किल, किसी के लिए भी मुश्किल ना हो. हाँ. आराम से आपको, आप हॉस्पिटल जाएं, आराम से आपको लोग देखें, इतने नर्सें हों, बिल्कुल, इतने डॉक्टर्स हों कि सबको, इतने लॉयर्स हों कि सबको देख सके, सबके. यहाँ पे अब आपने बड़ी अच्छी बात की, यहाँ पे लॉ ही नहीं है कोई, यहाँ पे जस्टिस ही नहीं है कोई. यहाँ पे क्यों लोग नफरत में आ जाते हैं और खुद ही मैं जाके अपना बदला ले लूंगा, क्योंकि उन्हें पता है कि मेरा कुछ होना नहीं है, मैं हक पे भी खड़ा हूँ तो भी मुझे 4-5 साल लटक जाना. हाँ, क्योंकि मैं समझती हूँ कि हमारे पास उतने आई थिंक लोग नहीं है जितने होने चाहिए, जितने ना होने चाहिए. जितनी हमारी आबादी है उसके हिसाब से उतने ही डॉक्टर्स चाहिए, उतनी नर्सें exactly चाहिए, उतने लॉयर्स चाहिए, उतने जजेस चाहिए. बिल्कुल. तो अगर आप लोग पूरे नहीं होंगे तो ऑब्वियसली फिर बैकलॉग बनता चला जाएगा, exactly. और भीड़ बढ़ती जाएगी और लोगों को ना इंसाफ मिलेगा, ना साफ पानी मिलेगा. इंसाफ होना चाहिए मुल्क में. हाँ. सेहत, इंसाफ, एजुकेशन, ये चीजें जो है ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है. और इतने स्कूल नहीं है हमारे. अनफॉर्चुनेटली जो लोग थोड़े से यू नो करप्ट टाइप होते हैं, हम कहते हैं यार ये तो बड़े काम का बंदा है. यू नो यू सी कि अगर किसी से कोई गलत काम हो गया और उसको जेल हो गई, होगी जेल. अभी कोई भी साथ में बंदा आया और कह के आप मुझे 30,000 रुपये दे, मैं इसको निकाल लेता हूँ, निकाल दे बंदे को बाहर, वो हीरो बन जाएगा मोहल्ले का. भाई असल बंदा तो ये हमारे. हाँ. ना उल्टी चीजों में. हाँ. ना आप हीरो बन जाते हैं. इतनी अच्छी बात कही है. तो मतलब गलत चीज को हीरो सपोर्ट करते हैं, नेगेटिविटी को सपोर्ट करके वो हीरो नहीं बनना चाहिए. तो लेकिन हीरो वो होना चाहिए जिसने अच्छा काम अच्छा किया, काम जिसने किसी अच्छा की मदद की है, जिसने किसी के लिए जो किसी के लिए खड़ा हुआ है. हाँ जी. या किसी को स्कूल में डाला है, या किसी खातून को अगर वो यू नो बच्चे जो हैं वो गलत बात कर रहे हैं तो उसको टोका है. हाँ जी, है ना, किसी की साइड ली है. सो आई थिंक यू आर राइट. हम रियली हम उन लोगों को सर पे चढ़ा लेते हैं और फिर गुहार भी पहनाते हैं और फिर पूरे मोहल्ले में वो चक्कर भी लगाते हैं और फिर सबसे ज्यादा वोट्स भी ऐसे मिलते हैं. तो ये हमने खुद ही करना. हमारे यहाँ नहीं है ना कोई लॉ. नहीं है, आप क्या करेंगे, आप किसको बोलेंगे? नीलम, हमने खुद ही ठीक करना. हमारा मुल्क है, अपने घर में हम नहीं ठीक करते चीजों को. बिल्कुल बिल्कुल. तो कोई और आके तो नहीं आपका घर ठीक करता. वही तो मैं और आप तो फिर भी गुजारा कर लेंगे. हमें तो शायद फिर भी एक फेवर तो कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी ना जिंदगी में. लेकिन जो आम आवाम है, आम लोग हैं यार, इनका कौन एहसास करेगा? इतना दिल दुखता है. मैं जब किसी ऐसे देखती हूँ ना, कोई ज़ईफ़ अंकल जो लंच बॉक्स लेके खड़े हुए हैं, तो मेरे बड़ा मेरा दिल दुखता है कि मैं जवान जान मैं गाड़ी में बैठी हूँ यार, ये स्टॉप पे खड़े हैं. ठीक है, जिंदगी ये जरूरी करना है, लेकिन उनको इतना सताया हुआ है इस वक्त. मतलब लोग तंग आ गए ना, मतलब यू नो कोई इलाज नहीं है. कैसा फील करती होगी वो माँ जिसके बच्चे का इलाज नहीं हो सकता, उसके पास पैसे नहीं है. माँ का दिल है उसके पास, माँ है वो यार. क्या क्या सोचती हुई, कितना बेबस. मतलब इतना बेबस ना करो इंसानों को. मुझे इस चीज़ पे बहुत गुस्सा आता है कि जिस चीज़ पे लोगों को बोलना चाहिए, इनको आवाम को अपनी पावर का नहीं पता. मुझे तो समटाइम्स ऐसा लगता है कि अगर ये अगर बोलना शुरू हो जाए, इनकी आवाज़ कहाँ तक नहीं जाती, कौन नहीं सुनता इन्हें, सबको पता. लेकिन हम इकट्ठे भी होते हैं तो हम गलत मकसद के लिए इकट्ठे होते हैं. है ना, हमने अभी वो समझा नहीं है कि सही और गलत में क्या फ़र्क है, कि हमने किस चीज़ के लिए खड़े होना है, क्या बात करनी है, कहाँ. बिल्कुल. हाँ, और हमारे लीडर्स भी नहीं समझते इस बात को कि पाकिस्तान की बेहतरी ही इसी में है कि यहाँ पर
برابری ہو, برابری ہو, انصاف دو طبقے نہ بنائے جائیں, امیری اور غریبی کے, امیر کا لو الگ ہے اور غریب کا الگ ہے. ہاں, یو نو سسٹم اس طرح بنایا جائے کہ ہم سب اس کو استعمال کر سکیں, بالکل ہم سب ہسپتال جا سکیں, اسی ہسپتال میں ہم اسی اسکول میں پڑھ سکیں اور ہم اسی ٹرانسپورٹ کے سسٹم میں بیٹھ سکیں سب کے لیے. اسکول کی بات ہے نا, آپ کا بڑا دل دکھے گا. غربت سڑک پہ نہیں ہونی چاہیے, نہیں ہونی چاہیے, بالکل نہیں ہونی. میں یہ بلیو کرتی ہوں, بالکل نہیں ہونی. برابری, ساری برابری, سارا نظام سسٹم سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے. پھر آپ کا گھر ہونا چاہیے کہ کوئی بہت مہنگا صوفہ افورڈ کر سکتا ہے اور کوئی چارپائی پہ بیٹھا ہے, کوئی بات نہیں, یو نو. لیکن یہ نہیں, غربت سڑک پہ نہیں ہونی چاہیے. مجھے اس کا بہت دکھ, مجھے خود بہت, آپ کا دل ایسی ہے, میں بھی اس چیز پہ بہت زیادہ, مجھے بھی فیل ہوتا ہے. ابھی ہم اسکول کی بات کر رہے تھے نا, ایک بہت بڑا اسکول ہے یہاں پہ, میں نام نہیں لینا چاہوں گی, تو کہا کہ جی بچے پڑھانے ہی صدقہ جاریہ میں آتا ہے اگر آپ کسی کو ایجوکیشن دلا دیں, اور زندگی میں بڑا ضروری ہے. تو ناٹ می, لیکن مجھے بات پتہ ہے کہ وہ گئے, انہوں نے ایڈمیشن کرایا, خاتون تھیں وہ, تو وہ دو دن بچوں کو رکھا اور تیسرے دن کہنے لگے کہ سوری ہم ان بچوں کو نہیں پڑھا سکتے. انہوں نے کہا کیوں, کیونکہ جو وہ دوسرے بچے ہیں جو کسی امیر فیملی کے ہیں, ان کے پیرنٹس نے شکایت کی کہ اس بچے کے ساتھ بیٹھے گا تو یہ کیا سیکھے گا. یہ ٹھیک ہو جائے گا ان شاء اللہ. جی یہ ٹھیک ہو جائے گا, کیونکہ یہ آپ ہی لوگ بدلیں گے اس کو. یہ جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں, ہم سے, ہمارے سے بڑے جو تھے, بڑوں سے ہوئی ہیں, لیکن کون دیکھے گا؟ آئی ڈونٹ نو. چیزیں ٹھیک تو ہونی ہیں, آپ کو کرنا پڑے گا. یہ بات ٹھیک, میں یہی بول رہی ہوں کہ یوتھ, دیکھیں یورپ میں بھی تھا, یورپ میں بھی ایسا ہی نظام تھا. ہاں جی, ٹھیک ہے, مگر انہوں نے بدلا, کیونکہ انہوں نے بدلا کیونکہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا. ایگزیکٹلی, پوری دنیا میں جہاں جہاں نظام بدلا ہے اور ڈیموکریسی آئی ہے, برابری کا نظام آیا ہے, انہوں نے بدلا ہے, کیونکہ اس کے علاوہ تھا نہیں, کوئی آپشن نہیں تھا. اور دوسری بات ہے, ہمارے پاس پلس پوائنٹ ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں اور اللہ نے اس ملک کو بچانا ہے. یہ ہمارا ایک پلس پوائنٹ ہے ہمارے پاس. نہیں, ہمارے یہاں کرسچنز بھی ہیں, ہمارے یہاں ہندو بھی ہیں, سکھ بھی ہیں, ہمارے یہاں لوگ ہیں, ایز اے کنٹری بالکل ہیں ہمارے یہاں. لیکن جیسے لوگ وہ کھا جاتے ہیں, بہت عزت کرتے ہیں, بالکل عزت کرتے ہیں, بالکل بالکل, اور ان میں کوئی فرق بھی نہیں ہے, وہ ہمارے ساتھ ہی کام کر رہے ہوتے ہیں. مطلب وہ, اور ہم جب کام کر رہے ہوتے ہیں, کتنی ہماری جو انڈسٹری ہے, میں یہ اس انڈسٹری کی یہ تعریف کروں گی کہ جو ہماری انڈسٹری ہے شو بز کی, ہم نے کبھی بھی, مجھے نہیں یاد ہے کہ کبھی فرق محسوس کبھی نہیں کیا, یا کسی نے کسی کو پوائنٹ آؤٹ کیا. ہمارے یہاں سب برابر. میرا بھی ایکچولی کہنے کا یہی مطلب ہے کہ جب مسلمان کو جب امید ہو نا کسی چیز کی, تو پھر اسے امید رکھنی چاہیے. جیسے ہم لوگ فیل کرنے لگتا نا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, غلط ہے, ٹھیک نہیں ہے, ٹھیک ہونا چاہیے. تو میرا صرف اس وقت بات صرف اپنی ہی تھی, ہماری تھی, کہ ہمیں ہی لے کے جانا ہے, ہم ہی کریں گے. اور جتنے پیار محبت میں دیکھ رہی ہوں نا آپ لوگوں میں, آپ کو میں بتاؤں, میں ابھی ریسنٹلی دیکھ کے آئی ہوں کے پی کے کا سسٹم. اچھا, میں گئی تھی وہاں پہ خالہ سے ملنے کے لیے. کیا صفائی وہاں پہ, جو ایجوکیشن کا رجحان ہے وہاں پہ. مجھے ایک ملی خاتون, وہ میرٹ تھی, وہ بھی فرسٹ ایئر کر رہی ہیں, ان کو اجازت ملی ہے پڑھنے کی, تو اچھا لگتا ہے نا, خوشی ہوتی ہے. اور یہ بھی مجھے لگتا ہے کہ ہم خواتین نے بدل لیا, کیونکہ ہم ہی گھر بناتے ہیں اور ہم ہی بچے بناتے ہیں, تو ہمارے ہاتھوں میں فیوچر ہے. تو ملک کو بھی ٹھیک کرنے میں عورتوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے. کسی کسی عورت کو ایکسس ہی نہیں مل پاتی اس سے. نہیں, مگر ہمیں لینا پڑے گا نا ایکسس. اب جو بیکورڈز ایریاز ہیں وہاں پہ, تو وہ ہماری ذمہ داری ہے. دیکھو, وہ بھی جہاں بھی یہ دیکھا جائے گا, اللہ کرے یہ ہمارا پیغام پہنچے کہ وہ جو خواتین وہاں ہیں, اپنے علاقوں میں رہ رہی ہیں, وہ گھر میں بیٹھ کے کام کر سکتی ہیں. وہ کچھ نہیں, کچھ تو درخت لگا سکتی ہیں, درخت تو لگا سکتی ہیں, درخت لگا دے. وہ لوگ تو کام کرتی ہیں, وہ تو دن میں کھیت میں بھی چلی جائیں گی اور اس طرح سے کام کرتی ہیں, لیکن ان کا بھی یہ ہوتا ہے کہ اسکول نہیں ہے آس پاس کوئی ایسا جو فری ہو جس میں وہ پڑھا سکیں, اس وجہ سے وہ لوگ رہ جاتی ہیں. وہاں کی عورتیں تو ایسی جاندار ہوتی ہیں, ہم میں کوئی ہمت نہیں ہوتی, ہم نہیں اٹھا سکتے. وہ ایسی چیزیں اٹھا کے گھوم پھر رہی ہوتی ہیں, اور اللہ نے بڑی ہمت دی, بڑی محنتی ہوتی ہیں, وہ تو پورے گھر کو ساتھ لے گئے. لیکن اسکول کھلنے چاہیے وہاں پہ, فری ایجوکیشن ہونی چاہیے کہ جائیں اور پڑھیں اور پڑھائیں. میرے خیال ہے بڑا ہیلپ آؤٹ کرے گا. پولیٹکس پہ جانے کا تو نہیں سوچ رہی ہوں. نہیں, فی الحال تو میں نہیں سوچ رہی, لیکن اگر مجھ سے کوئی اچھائی ہو سکی کہ اگر ہاں اس کے لیے اگر مجھے یہ کرنا پڑے گا تو میں ضرور کرنا چاہوں گی. میں کچھ اچھا کرنا چاہتی ہوں, میں کسی کے کام آنا چاہتی ہوں, کسی کے کام آنا چاہتی ہوں, اپنے ملک کے کام آنا چاہتی ہوں. بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اتنا خوبصورت, دنیا کتنی ریسپیکٹ کرتی ہے ہماری, اور اتنا خوبصورت ملک ہے کہ آپ کسی بھی صوبے میں چلے جائیں,
अल्लाह ने एक अलग खूबसूरती दी है, तो बड़ा अच्छा लगता है। पाकिस्तान तो जहाँ है, पाकिस्तान की वजह से मैं भी हूँ। हाँ, अगर हम पाकिस्तान का नहीं सोचेंगे तो फिर किसका सोचेंगे। हाँ, तो आप आपस में घर में बातचीत भी कर रहे होते हो उस तरह की? नहीं, नहीं, कोई नहीं। क्या हम अपना पिछले जो इलाका है जहाँ से दादी थी या नानी थी, उसको कैसे बेहतर किया जा, वहाँ की औरतों के किस तरह मसाइल हल किए जा सकते हैं, आप लोग ये बात करते हो? हमारे यहाँ हमारी फैमिली में, अच्छा आप उस तरह से, मैं कह सकता पॉलिटिक्स की बात करेंगे घर में, पॉलिटिक्स की बात, क्योंकि होता है ना कि जब आप ये चीजें आपको जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो आपको होता है कि हमारा वो इलाका है, हम वहाँ से आए उसकी औरतों की बेहतरी तो के लिए। हम तो मर्दान पेशावर में थे वहाँ पे पहले। अब मेरे सारे माशाल्लाह कजन जो है वो पढ़े लिखे हैं, वो अच्छा। मतलब पढ़ाया है सब लोगों ने, अम्मा अब्बा ने, लेकिन लोग समझते हैं ऐसे शायद वहाँ पे इतने ज़्यादा पढ़े लिखे लोग ना हों, लेकिन वहाँ पे काफ़ी पढ़ाई है। लेकिन जो बैकवर्ड एरियाज हैं वहाँ पे, चाहे सिंध में हो या इंटीरियर पंजाब में हो, कहीं भी हो, वहाँ पे जो है एजुकेशन काम होना बहुत ज़रूरी है। नहीं, हर जगह होना जरूरी है भाई। बच्चे क्यों वैसे इवन इन कराची इतने सारे लोग हैं, बच्चे क्यों फिर रहे हैं भाई? स्कूल की फीसेस कितनी महंगी हो गई हैं, जो बड़े स्कूल हैं 30,000 रुपए पर बच्चे की फीस जा रही है। कैन यू इमेजिन, ये पहले ऐसा नहीं था। डू यू नो कि 50s तक, आई थिंक इवन 60s तक, और मे बी मैं भी जब स्कूल गई हूँ, ऐसा नहीं था। तो ये खत्म नहीं होना चाहिए, आपको नहीं लगता कि अगर आपका बच्चा उस स्कूल में पढ़ रहा है? हाँ, तो फिर वही ठीक है ना, सब एक जैसे ही होंगे। और ऐसे बड़े बड़े लोग निकले हैं गवर्नमेंट स्कूलों से, जिसमें जिसको शौक होता है ना वो कर लेता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उनके बच्चे, चलो ठीक है, अच्छी बात है अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन ये चीज खत्म होनी चाहिए। या जो दूसरे स्कूल है उनमें ऐसी एक्टिविटीज होनी चाहिए। बच्चे जो है ना, गरीब का बच्चा बड़ा टैलेंटेड होता है, वो दूसरे उसका मुकाबला नहीं कर सकते। हाँ, वो सारी चीजें देखी होती है, उसके अंदर होता है, गॉड गिफ्टेड। हाँ, गरीब का बच्चा बहुत स्मार्ट होता है, बिल्कुल होता है। क्योंकि वो एक्चुअली एक तो उनको माँ बाप किसी चीज से बचा नहीं रहे। हमारे लिए तो प्लीज बैठ जाओ, डरा डरा के रख रहे होते, माना जाना ये ना करना, उससे ना देखना। वो आपके लिए जाके लड़ लेगा दूसरों से भाई, वो तो निडर बहादुर होता है, उसको कोई डर नहीं है। वो तो हर चीज देख रहा है, हर चीज में पल रहा है, है ना, उसको जिंदगी एक्चुअली जी रहा है, जी रहा है, बिल्कुल सही बात है। जिंदगी क्या है? जिंदगी मैं समझती हूँ जिंदगी एक ख्वाब है, जिसमें फिर आपके आपका सर कलम हो जाए, हाथ कट जाए, तो परवाह नहीं करना, क्योंकि एक ख्वाब है। तो ये बहुत बड़ी बात है, मौलाना रूमी ने कही थी। तो अगर आपके साथ कुछ बुरा भी हो जाता है ना, जैसे लोग अल्लाह ताला ना करे, लेकिन जैसे बीमारी या कोई इम्तिहान या कोई चीज़ जिसमें इंसान कहता है यार मेरे साथ क्यों हो रहा है, तो ये सब खत्म होना है, जिंदगी भर ये नहीं रहना। और मौत क्या? जो जिंदगी का सफर हमने जो गुजारा है उसका पूरा हिसाब किताब है। जिंदगी को अवेल जिसने कर लिया ना, उसके मजे, और जिसने नहीं किया, यू नो, इसी जब हम सफर पे भी निकलते हैं, आज हम घूमने फिरने चलते हैं, रात आनी है बीच में, स्टॉप लगना है आपको, आपने ठहरना है। तो जिंदगी भी ऐसी है कि आप ये नहीं कर सकते कि ये अल्लाह का निज़ाम है, हर चीज़ आपके हाथ में नहीं है। बहुत सारी चीज़ें जो आपके लिए आजमाइश बन के आएंगी आपकी ज़िंदगी में, आपने परवाह नहीं करनी, आपने उसमें से गुजर जाना है, आपने बस अल्लाह को जवाब देना है। जब ठीक रहोगे ना, सब ठीक ही होता है। अब्बू को मिस करती हो? कहाँ कहाँ मिस किया अब्बू को? बहुत ज़्यादा। अब्बू को मैंने डेफिनेटली मिस तो करती हूँ मैं, लेकिन माँ की परवरिश ने ना मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग कभी वो कमी आने नहीं दी मेरे सामने, मुझमें कभी भी मुझे उस कमी का एहसास नहीं दिलाया। अगर होता आज वो जिंदा होते, तुम उनके सामने बैठी होती, तो उन्हें क्या कहती? अवल तो मैं आपके सामने ना होती अगर आज वो होते। आई थिंक कि वो शायद मुझे इतना लंबा काम ना करने देते ना, कि इतने अरसे तक मुश्किल ही है। अगर वो होते तो मैं उनसे क्या कहती? ऑफ कोर्स मुझसे कहती है, आप यू नो, आप क्यों जल्दी चली गए, एक बात है जब उनसे आज। और मुझे ऑल्सो अपनी नानी के लिए भी बड़ा फील होता है। अच्छा। क्योंकि मुझे होता है मेरी अम्मी की कोई दोस्त नहीं है। अम्मी को बातें करनी चाहिए थी, नानी को होना चाहिए था, इमोशन उनके साथ अम्मी डिस्कस करती हूँ, मैं देखती हूँ कि वो कितना मिस करती है। ये रिश्ता ही ऐसा है, इंसान नहीं भूल सकता चाह के भी। तो मैं कहती हूँ कि नानी भी मुझे बहुत बहुत याद आती है,
अपने लिए नहीं, मेरा तो गुजारा है। तुम्हें याद है अपनी नानी? मुझे याद है, मुझसे तो इतने खाने मंगवाती रहती थी वो, इतने ज्यादा कि मुझे ये मंगवा के दो, मुझे ये मंगवा के दो। उनको खाने पीने का बड़ा शौक था, उनके लाल कपड़े और ये सब, मुझे सब एक एक चीज उनकी याद है। और दादी? दादी मेरी मर्दान में थी, मेरी दादी का गुस्सा मुझे याद है, गुस्सा करती थी। अच्छा, हाँ। और फैमिली खुश है तुम्हारे काम से? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे लिए तो तबलीग में दुआएं होती है, हमारे जो रिश्तेदार हाँ। जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। कहते हैं ना कि आप किसी के जिस्म का सफर तो देख सकते हैं कि आज मैं आपके साथ हूँ रिमाइंड विद समीना पीरज़ादा में, फिर कल मैं फलाने चैनल पे मेरा ड्रामा आ रहा है, फिर एक शो आ रहा है, फिल्म लगी, ये तो मेरा ये वाला ट्रेवल है, जिस्मानी ट्रेवल जो आप देख रहे हैं, जो सोल का जो ट्रेवल है ना, वो किसी को नहीं पता होता और उसको कोई कर भी नहीं सकता। वो सीक्रेट होती है, वो सीक्रेट होती है, इंसान नहीं पहुंच सकता। और इंसान बड़ी बड़ी अमेजिंग चीज भी है वैसे, इंसान क्या नहीं कर सकता। मैं पता है लोगों को बड़ा अच्छा कंसोल कर सकती हूँ, मैं हील कर सकती हूँ। मुझे जो मेरे जानने वाले हैं कहते भी हैं कि यार ये कैसे बात करती हूँ। तुम्हें दुख का एहसास हो जाता है अगले का? हाँ, मुझे दुख का एहसास हो जाता है। और क्या कहना है इस वक्त? पास बैठना है, चुप बैठे रहना है, या कुछ कहना भी है? ये सब पता होता है? मैं ज़्यादातर बात ही करती हूँ। अच्छा, अपनों के साथ ना मैं बाहर चुप रहती हूँ, बाहर मैं खामोश रहूँगी, लेकिन अपनों के साथ ना मैं बातें ही करती रहती हूँ। तो मस्ती कर लिए, फन कर लिया, थोड़ा सा हंस लिए, फिर उनकी टेंशन पर बात आ जाती है, उसको थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया, तो उसी में वक्त गुजर जाता है। तो लोग आते हैं अपना शेयर करते हैं तुमसे दुख सीक्रेट्स अपनी? मेरी बहनें तो बिल्कुल ही नहीं करती हैं मुझसे। अम्मी ने हमें कैसा ट्रेन किया ना मतलब सब अपनी अपनी जिंदगियों में कि अपना दुख अपने, मसले मेरे अपने हैं। ओके, ऐसे ही हम। और मैं तो कर लेती हूँ, मैं तो बता देती हूँ मेरे साथ ये इशू है, मुझे ये हो रहा है, मेरा ये काम सही नहीं हुआ, ये तो सब तो मैं बता देती हूँ। अम्मी का भी हमें नहीं पता चलता, अम्मी को आजकल क्या टेंशन है, खामोश, कुछ नहीं पता चलता, कभी बोलती भी नहीं, कभी जाहिर भी नहीं करती हैं। मगर क्या है, क्योंकि हमें पता है कि हम एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा हैं, जब एंड पर बात आती है ना, फिर हम बताते हैं कि देखो ये है बात है। पूरी कोशिश करती हैं कि मैं खुद ही रिजॉल्व कर लूं और बच्चियों को कोई परेशानी ना। एंड देन फाइनली जब वो कर लेती हैं, सब कुछ सही हो जाता है, फिर बताती हैं ये था। और कभी कभार तो बताती भी नहीं है वो। बहुत, मैं तो भूल गई थी, मैं कैसे भूल गई थी, मुझे याद ही नहीं रहा बताना। तो इन चीज़ों से भी मेरे ख्याल बड़ा फर्क पड़ता है, जब आप एक दूसरे के सामने रहते हैं ना, आप कुछ नहीं भी बोलते हैं तो भी आपको बहुत सारी बातें पता होती हैं। साथ रहने से बड़ा फर्क पड़ता है। हाँ, बहुत फर्क पड़ता है। सो अगर तुम्हें मौका मिले कि तुम्हें चॉइस मिले कि तुम यहाँ जा सकती हो या तो अपने घर जा सकती हो, आई थिंक तुम कहाँ भागोगी? घर की तरफ? एक घर एक तरफ है, दूसरी तरफ कहाँ? दूसरी तरफ कोई भी चीज जो तुम्हें बहुत पसंद है, तुम्हारा काम है। घर घर में सुकून है, मुझे पता है यहाँ पे मैं सेफ हूँ, यहाँ पे मेरे अपने लोग हैं। मैं जैसे भी बैठ जाऊंगी, उठ लूंगी, खा लूंगी, जितने बजे भी सो के उठ जाऊंगी, जो कि मुझे ख्याल होगा कि मेरा घर, इस घर का एक निजाम है, लेकिन मुझे पता है यहाँ पे मुझे कोई जज नहीं करेगा। यहाँ पे पता है कि अगर हाँ, अगर मैंने बोल भी दिया तो ये ऐसी ये भी इसलिए बोल रही है। कामयाबी क्या है? अल्लाह को जान लेने में बड़ी कामयाबी, उसकी रजा में राजी हो जाना बड़ी कामयाबी है, इसके अलावा कोई कामयाबी नहीं। और नाकामी? खुद को तलाश ना करना, मैं समझती हूँ बहुत बड़ी नाकामी है। अपने आपके इंसान के अंदर जो रूह है ना, उसको पहचानना बहुत जरूरी है, उसकी पहचान आपको होना बहुत जरूरी है। जिस दिन आपको वो हो गई ना, कोई आपको मात नहीं दे सकता। थैंक यू, थैंक यू, बहुत मजा आया। थैंक यू स्वीटहार्ट, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत मजा आया। इंशाल्लाह फिर हम एक होपफुली इकट्ठे काम करेंगे, बिल्कुल, फिर और ढेर सारी बातें करेंगे, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। सो एंजॉय, खुश रहो और बहुत अच्छा अच्छा काम करो। आमीन, थैंक यू, थैंक यू।